Biz Parents, very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So recently JP Morgan Government Bought Index Emerging Markets, इसका जो इंडेक्स है इस इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन हुआ है, तो ये इंक्लूजन कैसे हुआ है, इस अगर ये इंक्लूजन हुआ है तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, भारत में क्या देखने को मिल सकता है, चैलेंजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. देन वील बी डिस्कसिंग आउट टूडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट वाय न्यूज. सो जेपी मॉर्गन का रिसेंटली डिसीजन था कि वो इंडिया को गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स जो है इसमें इंक्लूड करेंगे. इसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस आएंगे दोनों इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी. अब ये इंडेक्स है क्या, ये एक बहुत वाइडली फॉलोड और बहुत इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क इंडेक्स की तरह यूज होता है. ये जो लोकल करेंसी डोमिनेटेड सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है बेसिकली, जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज या कंट्रीज जिनको इशू करती हैं मार्केट में. ये इन्वेस्टर्स को एक बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव मेजर देता है फिक्स इनकम मार्केट का जो कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के अंदर होगा. ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्लूड करता है, रिमेंबर दिस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड जो अलग अलग इकोनॉमीज इशू करते हैं. मोर ओवर ये कंपोजिशन टाइमली पे चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब इंडिया का इंक्लूजन कैसा है, तो बहुत लॉन्ग अवेटेड डिसीजन है. भारत का जो कंसिडरेशन है ग्लोबल इंडेक्सेस में इंक्लूजन के लिए ये लगभग 2013 में शुरू हुआ था. हाउएवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में कुछ लिमिटेशंस थे, तो इससे जो डोमेस्टिक डेब्ट का जो मार्केट है इसकी प्रोग्रेस जो थोड़ी थी वो हर्डल्ड हो गई थी, इम्पीड हो गई थी. अप्रैल 2020 में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फुल्ली एक्सेसिबल रूट से कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटीज जो थे इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया था. तो अब ये एलिजिबल हो चुके थे ग्लोबल इंडेक्सेस में इंक्लूड होने के लिए. अब इंडिया में ऐसे कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो एलिजिबल हैं, लगभग 23 इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि इनके अगर टोटल वैल्यू देखी जाए तो $330 बिलियन है. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द जेपी मॉर्गन, इसीलिए इंक्लूजन किया गया है. और अगर हम बेंचमार्क इन्वेस्टर्स की बात करें इस इंडेक्स में, तो लगभग 73% ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने भारत के इंक्लूजन में फेवर किया है कि इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला ग्लोबल कैपिटल मार्केट जो है जैसे ही इसमें इंक्लूजन होता है तो इससे बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल कैपिटल इन्फ्लोज होने लगेंगे इकोनॉमी में. ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं ये इस इंडेक्स की कंपोजिशन को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और अगर इसमें इंडिया का इंक्लूजन हुआ है इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये और ज्यादा कंट्री के गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे, फंड्स एलोकेट करने लगेंगे. अगर हम इंडियन स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन स्टॉक्स, दिस इन ब्लैक कलर इज द इंडियन स्टॉक्स, दिस वन इज द स्टॉक फ्रॉम द चाइना, एंड ये बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो इंडेक्स हैं उसका है. दीज आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडेक्स. सो ये आप देख सकते हैं कि ये कम है, ये कम हुआ है, बट इंडिया के जो स्टॉक्स हैं ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, देर अराउंड हियर इन 2023. और चाइना में आप देखे थे अभी रिसेंटली डिफ्लेशन भी आया था. सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द ग्राफ टू कंपेयर. नाउ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को एक बूस्ट मिलेगा जब कंट्री के जो बॉन्ड्स हैं वो इस इंडेक्स के पार्ट बनते हैं, ये इसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा देगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नजरों में. सो ये इससे कैपिटल का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होने लगेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कंट्री की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, लिक्विडिटी पे जो बॉन्ड मार्केट है उसकी. मोर ओवर अगर ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड होता है ये कंट्री की रेपुटेशन को बढ़ाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के नजरों में. सो ये सिग्निफाई करता है कि कंट्री का जो बॉन्ड मार्केट है उसने एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक वो पहुंच चुका है, ट्रांसपेरेंसी है, अट्रैक्टिवनेस है. मोर ओवर जब ये इंडेक्स में इंक्लूड होगा तो ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है ये बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्स है, फॉलोड इंडेक्स है. तो इससे ये कंट्री की इकोनॉमी में, पॉलिसीज में, फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है जो केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू नहीं और भी के थ्रू, प्राइवेट बॉन्ड्स के थ्रू भी आ सकता है, ये और ज्यादा आने लगेगा. तो इससे बाकी जो सेगमेंट्स है इकोनॉमी के उनका भी बेनिफिट होगा. फंडिंग ऑप्शंस की बात करें तो फंडिंग सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. अब अगर ये इंक्लूजन होता है तो इससे एडिशनल और डाइवर्सिफाइड सोर्स मिलेगा फाइनेंसिंग का, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अपने फिशियल डेफिसिट्स मैनेज कर रहे हैं या उनको फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनके ज़्यादा हैं. मोरओवर ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा. अब रिड्यूस्ड बोरिंग कॉस्ट, जैसे ही ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में इंक्लूजन होता है तो इससे बोरिंग कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है. जैसे कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पहले बॉन्ड इशू कर रही थी 80 रुपीज का,
एंड 80 रुपीज का बॉन्ड इशू करके ऑन मेच्योरिटी यू विल गेट 100 रुपीज। दिस वॉज इट। लेकिन अब मार्केट में क्योंकि इस बॉन्ड का जो है बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो चुका है, तो अगर कंट्री चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो वो इस बॉन्ड को 90 का भी बेचना शुरू कर देंगे। 90 के बाद उनको देना ही पड़ेगा इसमें 100। सो यहाँ पे उनको 20 रुपीज एज अ बॉन्ड यील्ड देना पड़ता, बट यहाँ उनको 10 रुपए एज अ बॉन्ड यील्ड देना पड़ रहा है। तो जैसे ही उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट, ये जो बॉन्ड यील्ड है ये कम हो सकती है, और बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी तो जो गवर्नमेंट की जो सेविंग है कॉस्ट की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 10 रुपए का बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को। सो ये एक एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट? तो मार्केट फ्लक्चुएशंस की बात करें, जैसे ही इंक्लूजन होता है तो जो लोकल डेब्ट मार्केट्स होते हैं इनमें वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली जब ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल आए, कहीं वॉर हो, कहीं अनसर्टेनिटी हो, पेंडेमिक आ जाए। तो इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको मार्केट को बहुत इफेक्टिवली मैनेज और स्टेबलाइज करना पड़ेगा। आरबीआई को केयरफुली मैनेज करनी पड़ेगी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, ताकि एक बैलेंस बना रहे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है उसके बीच में, और जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये भी बनी रहे। मोर ओवर जो डोमेस्टिक पॉलिसी है इसमें सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रुपी डिस्टेबलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। अब करेंसी रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम एक्सपोज होते हैं, वैसे इंडिया का जो मैकेनिज्म है तो इसमें जो मैकेनिज्म है हमारा उसको मैनेज करने की जरूरत है, करेंसी रिस्क को मिटिगेट करने की जरूरत है, जैसे कि हेजिंग ऑप्शंस हो, करेंसी को रोका जा सके बड़े बल्क में, एंड मोरओवर एक स्टेबल एक्सचेंज रेट एनवायरमेंट हो, मोरओवर क्लियर और कंसिस्टेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज हो उस नेशन की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉरेन इन्वेस्टर्स में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रखने के लिए। सो रेगुलेटरी चेंज जैसे ही होगा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तुरंत ही इफेक्ट कर देगा, तो इससे अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो सकती है, मोरओवर इन्वेस्टर्स भी डिटर हो सकते हैं, आने से रुक सकते हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज की बात करेंगे तो जो टैक्स रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट इनकम पे अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है और वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बाद उसको कुछ बेनिफिट होता है एक सर्टेन अमाउंट का, तो गवर्नमेंट बिकॉज इस पर भी टैक्स लेगी, इनकम टैक्स, बिकॉज वो इंडियन मार्केट से ले रहा है, बट ये फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी विल टेक 50% टैक्स फ्रॉम यू, क्योंकि अगर ये इनकम पे 50% टैक्स लेने लगे तो इससे जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा और ये अपने पैसे निकाल के कहीं बाहर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो एक फेवरेबल टैक्स पॉलिसी भी होनी चाहिए, ये कुछ चैलेंजेस है। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स रिटेस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपैक्ट्स ऑफ इंक्लूजन इन जेपी मॉर्गन जीबीआई ईएम इंडेक्स? इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी इन द लोकल डेब्ट मार्केट्स, करेंसीज एक्सपोज्ड टू फॉरेन मार्केट फ्लक्चुएशंस, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। ओके, देन ड्यू टू इंक्रीज डिमांड बॉन्ड यील्ड वुड इंक्रीज, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। So you can type the answer in the comment section, that will let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So what are the significant implications of India's inclusion in the government bond index emerging markets index? And what challenges would India could face? And also suggest some measures to address those challenges. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.